प्रदेश का संभल सुलग रहा है। अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारें इसको बुझा नहीं पा रही है। लेकिन आखिर इस हिंसा के पीछे है कौन? आज इस वीडियो में जानिए कि आखिर इस हिंसा का फायदा किसको मिलेगा। काशी और मथुरा के बाद अब संभल में जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का विवाद बढ़ गया है। सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने को लेकर FIR दर्ज की है। मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 2500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संभल में इंटरनेट और स्कूलें बंद कर दी गई है। 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने इस हिंसा के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि सांसद जियाउर रहमान संभल में मौजूद भी नहीं थे और उनके खिलाफ FIR दर्ज कैसे की जा सकती है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? अब जान लीजिए कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई। 19 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा। हिंदू पक्ष का कहना है कि श्री हरिहर मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगल काल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। बाबरनामा और आईने अकबरी में भी श्री हरिहर मंदिर का जिक्र है। चंदोसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की अदालत ने मस्जिद के सर्वे करने के आदेश दिए। 19 नवंबर की शाम ही सर्वे की शुरुआत कर दी गई। करीब 2 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई थी। कोर्ट कमिश्नर 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेंगे। सर्वे के बाद जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जुमे की नमाज के दौरान शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिससे शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे टीम दोबारा मस्जिद पहुंची तो बवाल शुरू हो गया। हजारों की भीड़ जामा मस्जिद के नजदीक जमा हो गई। पुलिस से धक्का मुक्की के बाद पथराव शुरू हो गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके बाद भीड़ ने गोलियां चलाई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हमले में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इलाके में अभी भी हालात बिगड़े हुए हैं। 7 थानों की पुलिस जगह जगह तैनात की गई है। 3 कंपनी PAC और 1 कंपनी RAF की लगी हुई है। सोशल मीडिया पर पैनी निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे भी इलाके में निगरानी कर रहे हैं। मस्जिद जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। लगातार माहौल बिगड़ने के पीछे इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन भी हो सकते हैं, स्लीपर सेल भी हो सकते हैं और ISIS का हाथ भी इसमें हो सकता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में घी डालने का काम राजनेताओं ने किया है। जांच में ये चीजें तभी सामने आएगी जब जांच सही तरीके से हो, नहीं तो ये मुद्दा भी लोग वैसे ही भूल जाएंगे जैसे बाकी मुद्दों को भूल चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।